हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपल शाह आपकी हिंदी टीचर आज हम सीखेंगे चैप्टर फाइव शब्द और वाक्य ये आपकी रचनात्मक व्याकरण टेक्स्ट बुक में है सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर ट्वेंटी इन योर रचनात्मक व्याकरण टेक्स्ट बुक स्टार्ट चैप्टर फाइव शब्द और वाक्य न की मात्रा ना र तो इसे शब्द कौन सा बनेगा अनार तो ये सही हुआ र की मात्रा ना रना ओ रना रना कोई शब्द है नहीं ना तो ये गलत ओके तो अनार अनार मैंने बोला तो आपके माइंड में कि मैं जाए जो मैंने यहाँ ऊपर दिखाई अनार ओके तो ये सही है फिर शुभम अगर ऐसा मैं बोलूँगी तो आपके दिमाग में किसी लड़के का नाम आएगा कि शुभम मतलब कोई लड़का होगा और उसका नाम शुभम होगा तो ये सही लेकिन अगर इसको उल्टा बोलूँ म शुभ म शुभ तो कोई आपके माइंड में कोई इमेज क्रिएट नहीं होगी है ना तो ये गलत तो वर्णों को सही क्रम में लिखने से उचित शब्द बनते हैं है ना अगर हम प्रॉपर क्रम में रखेंगे उनको तो एक शब्द बनेगा और वो प्रॉपर उचित शब्द बनेगा है ना तो वर्णों को सही क्रम में लिखने से उचित शब्द बनते हैं अनार लाल है आपके दिमाग में समझ में आ गया कि अनार लाल है तो ये यहाँ पूरा अर्थ स्पष्ट है लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ है लाल अनार तो आपके दिमाग में कुछ समझ में आ रहा है तो यहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं है शुभम ने अनार खाया हाँ तो शुभम क्या खा रहा है अनार खा रहा है ऐसा आपके दिमाग में आइडिया आएगा तो यहाँ पूरा अर्थ स्पष्ट है अनार ने शुभम खाया अनार शुभम खा सकता है अनाशुभम को खा सकता है नहीं ना तो यहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं है तो आपने देखा जब हमारे एक एक शब्द को जोड़ा तो वाक्य बना शब्दों को सही क्रम में लिखने और बोलने से वाक्य बनते हैं तो अभी वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे जोड़ेंगे तो शब्द और शब्दों को सही क्रम में बोलने या लिखने से क्या बनता है वाक्य समझ में आए वर्णों को सही क्रम से शब्द और शब्दों को सही क्रम से बोलने या लिखने से वाक्य बनते हैं यहाँ कुछ वाक्य है जो मैं पढ़ रही हूँ मैं अनार हूँ मैं अनार खाऊंगी मुझे अनार पसंद है मैं तुम्हें अनार दूंगी ये क्वेश्चन वन है शब्दों के अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाकर शब्द कड़ी को आगे बढ़ाओ ल ट क तो लास्ट वर्ण कौन सा है लास्ट वर्ण सॉरी लास्ट वर्ण है क तो अभी नया शब्द जो बनेगा उसका फर्स्ट वर्ण क क म फिर म से नया शब्द बनाओ म और फिर यहाँ आपको जो है वहाँ फर्स्ट लेटर ही लिखना है लास्ट वर्ड आपको दिया है ची तो कौन सा शब्द बनेगा ली ची और फिर ची दिया है लास्ट वर्ड लास्ट वर्ण आपको रखना है तो शब्द बनेगा चीली, ओके अंडरस्टैंड यहाँ क्वेश्चन नंबर दो है शब्द जाल में शब्द ढूंढकर गोला लगाओ और लिखो ये आपको खुद से करना है शब्द ढूंढ के यहाँ लिखने हैं ये क्वेश्चन नंबर थ्री है दाई और बाई तरफ के शब्दों को सॉरी शब्दों का सही मिलान करके वाक्य लिखो तो यहाँ मैंने लेफ़्ट साइड पे वन टू थ्री फोर लिख दिए हैं और राइट right साइड पे ए बी सी डी ऐसा लिख दिया है आप भी ऐसा कर सकते हो मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ओके तो अभी बादल बादल क्या करते हैं तो यहाँ शब्द आधे आधे थोड़े मिलेंगे हमको बादल बरस रहे हैं ओके ये मेरा पाँचवा नंबर का शब्द है बादल और सेकंड बी राइट साइड पे बी नंबर पे क्या है बरस रहे हैं फिर गाय है है ना सिक्स पे गाय है तो गाय क्या करती है दूध देती है तो ए पे क्या है दूध देती है उसके साथ मैच करो फिर यहाँ कुछ देश महान है लास्ट सेकंड राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे मेरा तो उसके साथ मैच होगा ना मेरा देश महान है फिर अभी फर्स्ट मैं राइट right साइड पे मैं है मैं बिक गई फाइव नंबर पे क्या है बिक गई ओके फिर सेकंड वर्ड है सेफा लीने, ने तो यहाँ पे लास्ट क्या है जी पे क्या कहा सेफा लीने ने क्या कहा पिताजी खिलौने लाएंगे मेरा देश महान है बादल बरस रहे गाय दूध देती है सरिता बाजार गई ओके okay, ऐसे आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा वर्ड मैच होता है और पूरा वाक्य मीनिंगफुल बनता है ओके क्वेश्चन नंबर फोर वाक्य पूरे करो बिल्ली डैश देखो तो यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन भी दिए गए हैं से मे पर को ने बिल्ली से देखो रॉन्ग बिल्ली में देखो रॉन्ग बिल्ली पर देखो नहीं तो क्या आएगा बिल्ली को देखो चूहा बिल से निकला नहीं है ये सही है वह चूहे पर जपटी वह बिल डेस्क कैसे जाएगा बिल को नहीं तो क्या आएगा वह बिल में कैसे जाएगा देखो बिल्ली ने क्या किया ओके okay? तो आपको ये एक्सरसाइज फिनिश करनी है मतलब बुक में लिखनी है और बाद में नोटबुक में कॉपी करना है आशा करती हूँ ये शब्द और वाक्य आपको समझ में आया होगा थैंक यू